और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएनओ है, ये प्लान बी प्लान सी तो हो सकता है, लेकिन प्लान ए पे रोशन अजीम साहब, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है, मुझे वे में वो चल रहे हैं। ये प्रोसेस ही यही है। अब एक नॉर्मल बंदा है, जैसे शायद आज से पहले आपको भी ना पता हो, क्योंकि हम बीच में देकर टर्मिनोलॉजीज यूज कर जाते हैं, लॉज के नाम ले जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, फिर वो एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए टुडे आई डिसाइडेड कि मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ना वो चीजें जो मैं बता सकती हूँ, वो प्रोसेस की स्टेप्स जो मैं बता सकती हूँ, वो मैं आज अपनी ऑडियंस को बता दूं, ताकि वो परेशान ना हो और वो तसल्ली रखे। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, हो सकता है जो ये कहते हैं चुनाव तक ये मसला जाएगा, उस तक भी नहीं जाए। हाँ, वो अगर कंसेंट दे दें फिर क्या होगा? गुलाम अहमद राजा को इंडिया से कोर्ट में जाएंगे, पासपोर्ट रिलीज करवाएंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसको कंप्लीट करेंगे, इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे और इंशाल्लाह अपने वतन आ जाएंगे। भाई मैं ये कह रही हूँ कि 8 सितंबर को रोशन अली अजीम के पास एक केस आता है, ठीक है? अब इस वक्त तक एक चीज इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है कि बच्चे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर ये चीज अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई। ये चीज एस्टेब्लिश कैसे होगी मुझे बताएं? वो पहले कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाएंगे, वो पुलिस के पास जाएंगे, हजूरे वाला मेहरबानी करो ये चीज हुई है, क्योंकि आपके पास तो फ्लाइट नंबर भी गालिबन आ गया था कि किस फ्लाइट से वो दुबई गई थी सीमा हैदर। मैंने किसी चैनल पे देखा था जो फ्लाइट नंबर वो चला, अब वो आपके पास कैसे आया? पहले अथॉरिटीज की तरफ से आया होगा, या अथॉरिटीज के अंदर जो आपकी सोर्सेज होंगी वो उन्होंने बताया होगा। इस चीज को हम कहते हैं वेरिफिकेशन कानून की जबान में, ठीक है? दो स्टेप हो गए, एक तो कंसर्न अथॉरिटीज के पास हो गए, दूसरा इस चीज की ये चीज अब पाकिस्तान के अंदर भी एस्टेब्लिश हो गई कि बच्चे इलीगली वहां पर गए, ठीक है? अब थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए आपका? आप डायरेक्ट मुंह उठा के इंडिया तो नहीं जाएंगे, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल, इसके लिए आप अपने फॉरेन ऑफिस में जाएंगे कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेहरबानी करें, कोऑपरेट करें, ठीक है? अब इस तरह के इश्यूज में डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान यहाँ पे कुछ माहदों का सिग्नेटरी है, इंडिया नहीं है, ठीक है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप आया, लेकिन यहाँ पे UNCRC का इंडिया सिग्नेटरी है, दूसरा SCG का सिग्नेटरी है। ये दो पॉइंट्स आप मेरे याद रखिएगा, ठीक है? अब हम फॉरेन ऑफिस में गए हुए हैं, अब फॉरेन ऑफिस हमें इंडियन हाई कमीशन से कनेक्ट करवाएगा, जहाँ पे हम अपना मसला हल करवाने की नियत से जाएंगे, ठीक है? कि ये हमारे शहरी वहां पर आए हुए हैं, आप मेहरबानी कर, फिर इंडियन हाई कमीशन वहां अपनी कंट्री से वेरीफाई करेगा वाकई में भी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। इन इन सारी चीजों में एक चीज भी आ जाती है काउंसलर एक्सेस की, कि वहां पे जो काउंसलर बैठा हुआ है वो अपने शहरी से मीटिंग कर सकता है, रابطہ कर सकता है, कि उनको कोई कानूनी मदद की जरूरत तो नहीं है, क्या उनसे गलती तो नहीं हो गई। ये सारे मैटर्स को देखा जाता है। अब आप देखिए इनकी जो वीडियो सामने आ रही है या जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, लेकिन बच्चों की तो हेल्प हो सकती है। अब इस बीच में डिप्लोमेटिक चैनल्स को आपस में, दोनों मुल्कों को आपस में बात करना जरूरी है कि नहीं? कौन करेगा? अब डायरेक्ट गुलाम हैदर को मुंह उठा के नहीं जा सकता ना कि मेरी ये बात सुन ले। उनके काउंसिल जाएंगे, फॉरेन ऑफिस जाएंगे, यहाँ पे एम्बेसी को मैसेज दिया जाएगा, वो वहां पे बताएंगे। ये पूरी एक साइकिल चलती है, ये ओवरनाइट जो है ना वो मसला हल नहीं हो जाता है। अब दोनों जगह पे ये चीज एस्टेब्लिश हो रही है कि बच्चे इलीगली पाकिस्तान से गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये मान रही है कि बच्चे इलीगली इंडिया के अंदर आए हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट इस पॉइंट पे मुत्तफिक हो गई एक पॉइंट पे, ठीक है? अब ये लोग जाएंगे कोर्ट में, अगर ये राजी हो जाते हैं कि UNCRC के तहत SDGs के तहत बच्चे वापस भेजने, क्योंकि उनकी जो वेलफेयर है वो वहां पर है। अब ये जाएंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे क्योंकि जो FIR है उसमें स्टेट पार्टी है, और अभी जो उनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के वो कोर्ट के पास होंगे, जिसमें पासपोर्ट वगैरह है। विदाउट पासपोर्ट तो लीगली वो वापस नहीं आ सकते ना, गए इलीगली है लेकिन लीगल वे में वापस आएंगे। अब वो दोनों
गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, गुलाम हैदर, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्रोसिक्यूशन एक पेज पे आ जाए, वो कोर्ट में जाएंगे कि भाई ये चीज है, बच्चों की वेलफेयर इसी में है, वो अपने नेटिव मुल्क में वापस जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए, माय लॉर्ड मेहरबानी करें इनके पासपोर्ट वगैरह रिलीज करें। तो फिर बच्चों का डिपोर्ट होने का प्रोसेस कम्प्लीट होगा और फिर बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। ये कस्टडी और मेंटेनेंस और एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें हैं ना, वो बाद की बातें होती हैं। लेकिन जो अक्सर डिपोर्टेशन का जो मेन प्रोसेस, मेजर प्रोसेस होता है वो यही है, इसी को लेके गुलाम हैदर चल रहे। अब फॉर इंस्टेंस के इंडियन गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है, तो उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम जा सकते हैं। वो भी इंडियन गवर्नमेंट, वो बायलैटरल होता है कि दोनों गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है कि चलो हम वहां पे चलते हैं, उनसे इस कानून की इंटरप्रिटेशन भी करवा लेते हैं और मसला वहां चल के हल करवाते हैं। उसमें भी दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी होना जरूरी है, जो बात कल उदित साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डिफेंडेंट और प्लेंटिव का एक पेज पे होना जरूरी है। अब मसला ये कि वहां पे गवर्नमेंट ही जा सकती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, गुलाम हैदर एज एन इंडिविजुअल वहां पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पूरा कानून है, उसके आर्टिकल 34 में ये चीज डिफाइंड है। ठीक है, अब कोई कुछ भी कहे, क्राइम सीमा ने किया, दो चीजें हैं, क्राइम सीमा ने किया, बच्चों ने नहीं किया है, बच्चे तो विक्टिम है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, तो इंडियन गवर्नमेंट को उनको अपने पास रोकने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना। और जब मारवाल्डा का फ्यूचर अनसर्टेन, ये चीजें समझने के जाहिर एक नॉर्मल बंदा है वो इस प्रोसेस को नहीं समझता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, जहां पे दो लीगल माइंड्स बैठेंगे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी मिसाल दे दूं, मेरा गला खराब है, मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे क्लैरिसेट दे दी, मैं दूसरे के पास गई, उसने मुझे एजोमैक्सिन दी, मुझे क्लैरिसेट से तो रिलीफ नहीं मिला लेकिन एजोमैक्सिन से मुझे रिलीफ मिल गया। ठीक है, इसमें डॉक्टर का तो कसूर नहीं है, दोनों मेडिसिन दी जाती है, गले जब गला खराब होता है ये दोनों मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, अब एक से मुझे रिलीफ नहीं मिला इसका ये मतलब तो नहीं वो डॉक्टर गलत है, वो डॉक्टर तो सही दवाई दे रहा है, फायदा मुझे नहीं हुआ है। तो ये चीजें लीगल माइंडसेट में भी, लीगली भी चीजें ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है कि एक कानून ने उसको रिलीफ दे दिया तो मुझे भी वही कानून दे, मैं फिर दूसरा पॉइंट लेकर आऊंगी। तो ये चीजें समझने करने एक नॉर्मल इंसान को ना, जिसने लॉ की जिससे वाकफियत नहीं है या जिसने ये प्रोसेसेस देखे नहीं है, तो उसको चीज ये समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, अभी आपके मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके जो आवाम परेशान है उनको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि रोशन अजीम पुलिस के पास क्या करने गया। पुलिस के पास तो इसलिए गया कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज एस्टेब्लिश तो हो कि बच्चे यहाँ से मिसिंग है, बच्चे यहाँ से गए हैं, वो किस, वो कैसे इस चीज को एस्टेब्लिश करेगा अगर वो इंडिया भी जाता है। मेरे ख्याल से उनको टाइम देना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक चल, ये जो प्रोसेस है वो ओवरनाइट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, उसमें वेरिफिकेशन में हो सकता है, रोशन अजीम अब खुल के तो सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे ना, उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में उनको 10 दिन लगे हों, 5 दिन लगे हों, अब फॉरेन ऑफिस में उनकी क्या चीज डिस्कस हो रही है वो नहीं बताएंगे, या कितने दिन हो सकता है अचानक से आपको एक गुड न्यूज मिले कि कल रोशन अजीम की फ्लाइट है वो जा रहे हैं इंडिया। इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, अपने सिक्योरिटी मैटर्स को भी देखा जा सकता है, देखा जाता है कि उनकी सिक्योरिटी को तो कोई थ्रेट नहीं है, और वो ये भी नहीं बताएंगे कि वो किस दिन एम्बेसी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से इन्होंने कम्युनिकेट किया, डिप्लोमेटिक चैनल्स को आपस में एंगेज किया। ठीक है, अब फिर वो इंडिया जाएंगे बच्चों को रिसीव करने, बच्चों को लेने वहां की कोर्ट से, क्योंकि बच्चों के अभी पासपोर्ट वगैरह वहां की कोर्ट के पास होंगे ना, क्योंकि वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको इंडिया को इंडिया जाने से पहले उनको इंडियन गवर्नमेंट को, यहाँ पे जो हाई कमीशन बैठा है, उनको ये चीज एस्टेब्लिश करवानी है, इस चीज पे कन्विंस करना है कि हमारे बच्चे वहां पे मौजूद हैं, वो इलीगली गए, वो ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, वो सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस की हद तक फिर बात नहीं होती, फिर आपको लीगली प्रूफ देने पड़ते हैं, उन पुलिस की एक एफआईआर, एक एनसी से लेके जो आपने अपने फॉरेन ऑफिस में कम्युनिकेट किए, वो सारी चीजें, वो सारी एप्लीकेशन आपको चाहिए होती है, और यही चीज वो बताने की, समझाने की वो कोशिश कर रहे। बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, जब आप इंडियन प्रोसिक्यूशन देखें, बच्चों का तो कोई क्राइम नहीं है, बच्चों के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, माइनर बच्चे हैं,
तो क्यों नहीं देंगे, और उनका वेलफेयर इसी में है। बाकी जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर के या जो मेंटेनेंस कस्टडी ये सारी, क्योंकि बच्चे नेटिव पाकिस्तान के हैं तो वो चीजें यही पाकिस्तान में चलनी चाहिए। और इंडिया के जो जजेस हैं उनका माइंडसेट भी यही है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन जाके अपने नेटिव कंट्रीज में लें, बच्चे ले जाएं और अपने मुल्क में जाके डिसाइड करें। अब क्योंकि सीमा का फ्यूचर अनसर्टेन है तो वो कैसे रखेंगे बच्चे, और जबकि उनकी हुकूमत इस चीज पे कन्विंस हो जाती है कि हाँ हम आपका असिस्टेंस देंगे, हमारा प्रोसिक्यूटर आपके हक में बयान देगा, बच्चे आप ले जाएं। तो ये चीज लेके जाएंगे ना कि हमारे बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, हमने ये चीज एस्टेब्लिश करनी है। अब वो कस्टडी वगैरह वो वहां पे नहीं चल सकता है, वो वहां के नेटिव ही नहीं है, उनकी वेलफेयर किस चीज में, वो जजेस सुनेंगे नहीं। और इस चीज को कस्टडी को लेके इंडिया का, इंडिया ने कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ। तो वो पेरेंटल अबडक्शन के ऊपर कन्वेंशन हुआ था 1996 में, इंडिया ने सिग्नेचर अभी तक नहीं किया, उसको रेक्टिफाई नहीं किया, फिर तो हम आराम से बच्चे ले आते। हमने अब इस चीज को एस्टेब्लिश करना है। वो रोशन अजीम साहब इसी बात पे उनका जोर है, इसीलिए वो इंडिया नहीं जा रहे, वरना उनको क्या है। वो उनकी इस, उनकी गवर्नमेंट को इस चीज पे कन्विंस करना है, हमारे बच्चे आपके पास इलीगली आ गए और हम ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आए। क्यों चाहते हैं हम उनको, UNCRC के आर्टिकल 34, 35, 36 इंडिया उसका सिग्नेचर चाहिए। हमने वो पॉइंट्स बताने हैं, उस पर इंडिया गवर्नमेंट एग्री हो गई, कोर्ट्स क्यों नहीं देंगे। वो इस चीज में कस्टडी के चक्करों में जजेस वो उन्होंने पढ़ना ही नहीं है। हम लोगों को जो यहाँ पाकिस्तान में या रोशन अजीम साहब को पाकिस्तान में जो टाइम लग रहा है वो इस चीज को एस्टेब्लिश करने में, गवर्नमेंट्स को इस चीज को कन्विंस करने में लीगली कि बच्चे वहाँ पे लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनका स्टेटस ये है, जितना जल्दी हो सके उनकी वेलफेयर को देखते हुए बच्चे वापस अपने मुल्क में भेजे जाएं। ठीक है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट इस चीज पे कन्विंस हो जाती है, बच्चों के ऊपर कोई चार्जेस हो रही है, यही तो हम कह रहे हैं कि बच्चे माइनर है, उनको क्यों वहां पे रखा हुआ है, इनको रिलीज करें। और ये बात मैं रोशन अजीम साहब भी करते हैं कि अब उनकी कोर्ट में हमने उनके पासपोर्ट वगैरह रिलीज करवाने के लिए जाना पड़ेगा, गुलाम हैदर को जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इंडिया की गवर्नमेंट को इस चीज पे पर कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आप हमारी मदद करें। अगर वो हो जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी साहब हो जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई, इस चीज को वो लोग तो मान रहे हैं ना कि बच्चे लीगल हैं, इसीलिए उन्होंने FIR काटी। अगर वो इस चीज को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर वो वसीमा के अगेंस्ट क्यों FIR काटते। इस चीज को उन्होंने माना है, पाकिस्तान के सामने उनको इस चीज का एतराफ करना है और इस चीज के ऊपर रजामंदी देनी है। आप लोग आ जाए, हम कोर्ट से आपके बच्चों के आपको पासपोर्ट भी दिलवाएंगे, आपको बच्चे भी दिलवाएंगे। ये जो डिले हो रहा है वो इस चीज में हो रहा है, कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं ना इंगेज डिप्लोमेटिक चैनल, ये वो वाली बात है।